Hey guys, welcome back to another video. आज हम compare करेंगे इन दोनों speakers का. एक है मेरे पास JBL का Party Box 110 और एक है FAT-D का PA-300. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वाट की. तो ये जो speaker है ये हमें मिलता है 160 वाट का और ये वाला जो speaker है ये हमें मिलता है 100 वाट का. इसके साथ हमें app मिलता है बट इसके साथ हमें कोई भी app वगैरह कुछ भी नहीं मिलता. इसका जो बैटरी बैकअप है आपको लगभग मिल जाता है 12 घंटे का और जो कंपनी क्लेम करती है, और इसका मिल जाता है आपको 5 आवर्स का. इसमें हमें IPX4 मिल जाता है बट इसमें हमें IPX4 वगैरह कुछ कंपनी ने लिखा नहीं है. बट इसको आप पानी में हल्का हल्का पानी लगा सकते हो बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको करो. और इस स्पीकर का जो वेट है वो है 10 kg 800 grams और इस स्पीकर का जो वेट है वो है 15 kg 800 grams जो कि काफ़ी ज़्यादा है. इसमें हमें ट्रॉली का ऑप्शन कुछ नहीं मिलता. ट्रॉली मीन्स कि अंदर लगेज ले जाते हैं वैसे कुछ नहीं है इसमें बट इसमें हमें मिल जाता है ऐसे, ठीक है. और यहाँ पे इसकी व्हील्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ से. तो ये इसका व्हील है और व्हील भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है. और इसमें जो लाइट की जो ऑप्शन है वो काफ़ी सारे हैं, लाइक वो आप ऐप के थ्रू चेंज कर सकते हो बट इसमें हमें कुछ भी लाइक ऐप तो मिलता ही नहीं है बट इसमें हमारे कुछ बटन्स वगैरह वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो. ये एक बट ये है ऑफ हो जाता है बस इतना ही है. अगर मैं इसकी ऐप की बात करूँ तो जैसे आप इसमें रॉक कर सकते हो, जन फ्लो देख सकते हो तो सब चेंज हो रहा है. उसके बाद आप यहाँ पे फ्री स्टाइल में जाके कलर्स भी मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हो. देन यहाँ पे कलर पिकर भी आपको मिल जाता है तो काफ़ी सारे हैं इसमें. तो इसका ये ऐप है और इस ऐप का लुक कुछ ऐसा है. और इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे और इसका भी डिटेल वीडियो बना रहा है तो वो भी आप देख लेना. नाउ इसमें हमें स्टैंड का सपोर्ट मिल जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरफ एक कवर होता है, यहाँ पे आप स्टैंड में लगा सकते हो बट इसको आप स्टैंड में नहीं लगा सकते. और एक चीज, इन दोनों के जो लिंक्स है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना. नाउ इसके जो स्पीकर्स है वो बड़े हैं, लाइक 7 inch के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं और 2 ट्विटर आपको मिल जाता है जो कि कितने इंच के वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया. और इसके जो स्पीकर्स है ये हमारा 5.25 इंच के 2 सबवूफर्स है, ये भी 2 सबवूफर्स है और इसमें 2.25 इंच के 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं जो कि एक यहाँ पे है और एक इधर है. तो इससे लाइक स्पीकर का अंदाजा लगा सकते हो, ये 7 इंच का, ये 5.25 इंच का. और अभी तक अगर आप लोग बने हो इस वीडियो में तो साउंड सुन के ज़रूर जाना इन दोनों स्पीकर्स का. तो और इसमें हमें माइक का कोई भी लाइक माइक नहीं मिलता इसके साथ बट इसके साथ हमें एक कॉर्डलेस माइक मिलता है जो कुछ ऐसा है. कॉर्डलेस माइक है, चेक चेक, हेलो 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 हेलो. और इसमें हमें इको मिलता है बट इसमें हमें इको का ऑप्शन लिखा होता है बट इसमें हमें मिलता है रिवर्ब का ऑप्शन. नाउ इसका जो TWS का सपोर्ट है इसमें हमें मिल जाता है बट इसमें हमें कोई TWS का सपोर्ट नहीं मिलता. और इसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक फीचर्स वगैरह वो हम बात करेंगे. और इसमें भी हमें कुछ मिल जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. और अभी हम अगर बात करें इसके फीचर्स की तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है ऑन ऑफ स्विच, इसका होल्ड करके आप इसको ऑन कर सकते हो. देन लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, इसे दबाओगे तो लाइट चेंज होता रहेगा. ओके नाउ नेक्स्ट दिस इज़ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जैसे आप बढ़ाओगे तो यहाँ से ज़्यादा कम होगा, ये देखो कम हो रहा है. यहाँ पर शो भी करेगा, इसमें डिस्प्ले भी है तो आप इसमें देख सकते हो. ऐसे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो 15-16 ये 30 तक जाएगा. इसके साइड में बैटरी का इंडिकेशन है. देन यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको मिल जाता है. देन यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है. उसके बाद प्ले पॉज, देन गाने को आगे नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए. यहाँ पे कुछ इनबिल्ट बाप रे बस 3 ही चीज़ मिलता है बट इसमें हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है. इसका हम बाद में देखेंगे, ऐप के थ्रू होता है बट इसकी जो क्वालिटी है मुझे सही नहीं लगा सच में, मतलब ठीक ठाक ही है, काम चलाओ का दे दिया. नाउ नेक्स्ट माइक का वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्लस माइनस कर सकते हो और यहाँ पे आपको दिखेगा कितना आपका माइक का वॉल्यूम है. देन इसमें हमें माइक का इको मिल जाता है, इसमें आप बढ़ा सकते हो, इसका भी ऑप्शन मिलेगा. देन बेस मिल जाता है, किसके लिए बेस आपको मिलेगा, फॉर ट्रैक के लिए, लाइक ट्रैक मीन्स कि जो आप गाना बजाओगे उसका मिल जाता है. देन इसमें हमें ट्रेवल का ऑप्शन भी मिल जाता है. उसके बाद हमें यहाँ पे एक रबड़ का एक स्ट्रैप मिल जाता है और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है माइक का एक इनपुट, देन गिटार का एक इनपुट मिल जाता है, देन ऑक्स इन मिल जाता है. उसके बाद पेन ड्राइव का ऑप्शन
और एक आपको मिलता है वो है ऑप्टिकल केबल, और यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है, इसका फीचर यहीं पर ही है। और इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 वाट, ओके, बट इतने का है नहीं है, बट ये 100 वाट का ही है, ये PMPO है, ओके। और इसका पीछे का मैं आपको दिखाता हूँ बैक पैनल, और काफ़ी हैवी है ये स्पीकर। यहाँ पे बस एक केबल है लाइक फॉर चार्जिंग के लिए, तो यही है इसके कुछ फीचर्स। अभी हम एक बार माइक की क्वालिटी चेक करते हैं। तो क्वालिटी भी ठीक ठाक है। हेलो हेलो, ये मैंने ऑफ कर दिया माइक साउंड। हेलो 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 हेलो, बड़ा रहा साउंड तो देखो चेक चेक करें। और यहाँ से इसका माइक वॉल्यूम, और यहाँ से इको फुल है, ये मैंने ऑफ कर दिया। चेक, हेलो, वन 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 वन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मतलब सही ठीक ठाक। ये गाना आगे देख लेते हैं। सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना। ये इसकी कुछ ऐसी क्वालिटी है भाई की, और इसमें आप कैरोगे का ऑप्शन भी लाइक चूज कर सकते हो, जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट किया फोन और उसके बाद कोई भी कैरोगे लगाया एंड गाना गया, सिंपल। नाउ टॉक अबाउट दिस स्पीकर, दिस इज अ JBL स्पीकर, बोलने की जरूरत नहीं है, काफ़ी तगड़ा स्पीकर है। साउंड टेस्ट के बाद मैं आप लोग को अपना ओपिनियन दूंगा। तो अभी हम इसके फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। तो इसका जो पावर बटन है वो हमारे यहाँ पे मिल जाता है, एक बार प्रेस करो तो ये ऑफ हो जाता है, जैसे ये ऑफ हो गया, और ऑन करने के लिए एक बार प्रेस करना है। तो अभी ये तो ऑन हो रहा है, ठीक है, ऑन हो गया। और यहाँ से हम इसमें लाइट को ऑफ ऑन कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट बैटरी इंडिकेशन मिल जाता है, देन ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है जैसे आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हो, देन बेस बूस्ट का, दो बेस बूस्ट मिलता है इसमें, एक है लाइक पहला वाला ऑफ रहता है, देन दूसरा वाला थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है, और उसके बाद वाला तो और ज़्यादा। तो फर्स्ट बेस बूस्ट इज लाइक एफिशिएंट, ओके। नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूम अप डाउन के लिए, तो जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो यहाँ पे रिंग की तरह करेगा। आई थिंक मुझे तो कॉपी किया हुआ है ये FND वालों ने, ओके। इसमें प्ले पॉज हो जाता है, इसका जो बटन है ऐसे वॉल्यूम देख सकते हो। अभी हम वॉल्यूम की तरह रखते हैं, और यहाँ पे हम फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, तो ये काफ़ी सही लगा मुझे ऐसे करके। और उस तरफ भी आई थिंक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। और नेक्स्ट ये हमें पूरा ग्रिल का मिल जाता है, यहाँ पे JBL का ब्रांडिंग है, ओके। और यहाँ पे हमें प्लास्टिक का मिलता है बॉडी, दोनों प्लास्टिक के बॉडी है। और इधर हमें प्लग इन करने के लिए मिल जाता है, और प्लग इन करके करोगे तो काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट आपको मिलेगा। ये हमारा बेस रेडिएटर, यहाँ से हवा निकलता है तगड़ा वाला। और ये हमारा कुछ इनपुट्स है, तो यहाँ पे जैसे माइक का है इनपुट, इसका माइक का गेन हो गया, देन पावर बैंक फॉर चार्ज के लिए फ़ोन को, ऑक्स इन, देन TWS के फीचर, जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे तो ये कलर आ जाएगा, काफ़ी बढ़िया कलर लग रहा है मुझे, ये क्यूट सा लग रहा है। चलो इसको ऑफ कर दिया, और यहाँ पे ऑक्स आउट, यहाँ से ऑक्स आउट दे सकते हो, देन यहाँ पे गिटार कनेक्ट कर सकते हो आप, और इसका वॉल्यूम है, इसका गेयर है, और यहाँ पे और कुछ नहीं मिलता, ओके। यहाँ पे हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाता है इस तरफ, ओके, और एक इस तरफ मिल जाता है। यहाँ पे इस कुछ ऑरेंज कलर का रबर ग्रिप दे रखा है, नीचे स्टैंड का फीचर दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। और इसमें जो केबल मिलता है, दोनों स्पीकर का कुछ ऐसे ही कुछ केबल की क्वालिटी होती है, और जो कि काफ़ी सही है, कोई एडाप्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बस प्लग करो गाना चालू, ओके। नाउ वैसे मैंने साउंड तो मैंने पहले भी सुन रखा है इन दोनों का, तो मैं फिर भी आप लोग को साउंड सुना के देन इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल यही था इन दोनों स्पीकर का। अभी हम JBL स्पीकर के साथ माइक को टेस्ट करते हैं, और ये चेक चेक, हेलो हेलो। तो यहाँ पे मैंने जो इको है वो आई थिंक रिवर्स जो है वो कम है, इसको हम यहाँ से बढ़ाते, इसका ऐप कुछ ऐसा है, जैसे चलता है, गेटिंग रेडी, अभी होने वाला है ये, और चालू होगी, काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे कैराओके इफेक्ट ये कम है, यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये फुल हो गया। और यहाँ से हाँ ठीक है, और कुछ गा के देखते हैं, यहाँ से हम वॉल्यूम ही बढ़ा सकते हैं। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। तो आप
देखा कैसी क्वालिटी लगी मुझे तो जेबेल का काफ़ी लाइक क्वालिटी जो है ना काफ़ी सही लगी माइक की। और इसमें और एक फीचर ये है अच्छा, जैसे मैंने जब उसमें टेस्ट किया था, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा अभी, ठीक हेलो 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 लगी है तो यहाँ से साउंड बढ़ाया ये हेलो 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 बाप रे बाप, ठीक है इसमें इतना तगड़ा साउंड है बट इसमें नहीं होता, जैसे ऑन किया हेलो चेक नहीं है, पास में जाओ कुछ भी करो मतलब होता नहीं है, मतलब काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है स्पीकर का। जैसे मैं इसमें कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, चेक वन टू वन टू वन टू थ्री वन थ्री वन टू थ्री फोर फाइव, तो ऐसे आपका काम करता है। और दोनों स्पीकर को आप ऐसा कैराओके यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई भी गाना चलाया आपने उसी गाने को आप कराओके लिख दो उसमें तो कराओके आ जाएगा, और इसके साथ माइक के साथ गाओ। तो अभी आप लोगों ने इन दोनों स्पीकर्स का साउंड सुना, तो आप लोगों को कौन सा सही लगा वो तो पहले आप कमेंट में बताओ, और मुझे कौन सा सही लगा वो है ये वाला स्पीकर JBL। अभी देखो क्या है, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये 160 वाट है तो ये ही जीतेगा और ये 100 वाट का तो ये गया, ऐसा नहीं है। लाउडनेस की अगर बात करें तो उसमें ये जीतेगा, क्योंकि इसका जो थ्रो है काफ़ी सही है, इसका भी थ्रो सही है बट इसका लाउडनेस उतना नहीं है इसके हिसाब से। मैं से करो आप कहीं भी शॉप में जाकर देख लेना। और एक चीज़, जैसे हम JBL का जो साउंड है फुल करते हैं, जैसे कोई भी गाना चल रहा है फुल करते हैं, वो डिस्टॉर्शन नहीं देता बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब फुल कर दो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इसमें जैसे आप 80-90 तक जाओगे आपका ये डिस्टॉर्शन देने लग जाएगा, तो ये काफ़ी चीज़ मतलब ऐसे फटने लगता है हल्का हल्का। और दोनों ही का जो साउंड टेस्ट हुआ है ये दोनों ही बैटरी के थ्रू हुआ है, इसका भी बैटरी और इसका बैटरी के थ्रू, प्लग मैंने नहीं लगाया इसमें। बाकी जो इसका क्वालिटी वगैरह है मुझे JBL का सही लगा, एक क्रिस्पीनेस, एक पंची बेस, बेस का जो थ्रो एक सॉफ्ट बेस होता ना वो इसमें है, इसमें बात है, इसमें वो बेस नहीं आ रहा था, उतना बेस है बट उतना नहीं, लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 100 वाट के हिसाब से इसका जो लाउडनेस है भाई इसको हटा दिया लाउडनेस के हिसाब से। बट वही अगर आप फुल करोगे जितने भी लाइक इसका जो साउंड का जो डिस्टॉर्शन है वो आपको सुनाई देगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है आप अगर फुल करोगे तो जैसा साउंड क्वालिटी 50 में है 70 में है जैसे एक आ रहा है ना बस लाउडनेस बढ़ जाता है, पर डिस्टॉर्शन नहीं देता ये स्पीकर दे देता है। और इस स्पीकर का जो आप जब बढ़ाते हो ना तो वो तो डिस्टॉर्शन देता ही है बट साथ ही में बेस भी देता है और लाउडनेस भी देता है, तो ये भी स्पीकर भी काफ़ी सही है। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि इस स्पीकर में हमें माइक मिलता है कॉर्डलेस माइक, बट इसके साथ नहीं मिलता, अगर देते तो अच्छा होता। बट उसी में अगर हम माइक की क्वालिटी की बात करें, इसकी जो क्वालिटी है एक तो सबसे सही चीज़ है वो है रिवर्व इसके में मिल रहा है, बट इसमें हमें इको मिलता है वो भी मतलब क्वालिटी मुझे उतना सही नहीं लगा। प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस इसका आपका 29 के अराउंड मिलेगा और ये आपको मिलेगा अराउंड 16 या 17 के अप डाउन रहता है अमेजोन पे प्राइस, तो आप चेकआउट कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और लाइट्स की जो क्वालिटी है मतलब लाइक इसमें काफ़ी सारे लाइट्स आपको मिल जाता है, बट इसमें हमें लाइट भी किने चिने हुए लाइट मिलता है, मतलब लगता है कि इसका ये लाइक इसने कॉपी किया JBL का। बैटरी इंडिकेशन आपको इसमें मिल जाता है, इसमें भी इसमें बैटरी इंडिकेशन मिलता है,
बाकी इसमें फीचर्स वगैरह तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। ट्रेवल वे इसका मिलता है और दो इनपुट्स इसमें मिलता है, इसमें भी दो इनपुट्स मिलता है, इसमें मैं लाइक टी डी प्लस का फीचर्स मिलता है, काफ़ी कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि कौन सा स्पीकर बेस्ट है, अब प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि ये आपको 17 तक मिल जाता है, बट ये 29 लाइक 30 तक जा रहा है। बट आप कार्ड्स वगैरह डिस्काउंट वगैरह देके इसको कम कर सकते हो। बट वो JBL काफ़ी सही ब्रांड का जो साउंड क्वालिटी है ना, ब्लूटूथ स्पीकर भी ले लो, कुछ भी ले लो, सही होता है। तो अगर आप JBL के साथ जाओगे तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इसका क्वालिटी और साउंड, मेन साउंड क्वालिटी ठीक है। और बाकी अगर हम देखें इसका वेट वगैरह, ट्रॉली वगैरह, तो इसमें ट्रॉली नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, बट इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। और इसके हैंडल का जो है ये भी मुझे उतना सही लगा, क्योंकि इसका जो हैंडल है पीछे की तरफ है, तो ऐसे उठा से तो ये ऐसे गिर जाता, मतलब ऐसे हो जाता है, तो इससे वेट ज़्यादा लगता है। बट ये 11 kg का ही आप मान लो इसको। तो ओवरऑल मुझे तो लाइक दोनों स्पीकर ही ठीक लगा अपने अपने प्राइस रेंज में, और RMS के हिसाब से ये 100 watt के हिसाब से सही थ्रो देता है, बट वही डिस्ट्रक्शन देता है, बट इसमें हमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं मिलता, बट काफ़ी बढ़िया है और पंची बेस तगड़ा मिलता है इसमें। और इन दोनों स्पीकर को आप ऐसा कैराओके यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव गिग्स वगैरह जो होती है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही था, आप लोग को इन दोनों का कंपटीशन दिखाना था, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इन दोनों स्पीकर्स का। हाइट का भी थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट थोड़ा सा कम है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।